तो ये है एक रिफर्बिश आईफोन 12 प्रो जो कि एक कैशिफाई का प्रोडक्ट है और फिलहाल जो इसका प्राइस चल रहा है वो है 42,000 के आसपास, लेकिन मेरे पास जो ये वेरिएंट है इसका प्राइस है 48,000, क्योंकि एक तो ये 256 GB वाला वेरिएंट है और इसकी जो कंडीशन है वो है गुड, जो कि बॉक्स पे भी मेंशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और इस फोन के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो कहीं पे अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा और थोड़ा अजीब भी रहा, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ बॉक्स कंटेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स हर बार की तरह फोन प्रो का ही बॉक्स है, सिर्फ आज तक एक बार ही मुझे ओरिजिनल बॉक्स मिला है, नहीं तो हर बार कैशिफाई का ही बॉक्स आता है। और यहाँ पे बॉक्स के नीचे की साइड आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, जैसे कि मॉडल नेम आईफोन 12 प्रो 6GB 256GB पैसिफिक ब्लू कलर में है, और यहाँ पे आप जी देख सकते हैं, इसका मतलब इसकी जो कंडीशन है वो है गुड। और उसके अलावा कुछ सीरियल नंबर है और यहाँ पे जो प्राइस लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है। और बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर की फोन रखा हुआ आता है, और उसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाता है वारंटी कार्ड जिसमें की मेंशन है 6 महीने की वारंटी। और यहाँ पे जो अजीब चीज थी वो ये, जब मैंने इसका चार्जर खोला पहली बार तो मैं खुद शौक हो गया, यहाँ पे हमें जो बोट का चार्जर मिलता है ओरिजिनल जो कि 20 वॉट का है, जो कि काफी बढ़िया चीज है, क्योंकि हर बार ये जो है कोई चाइनीज सा एप्पल का कॉपी चार्जर देते हैं जो कि बिल्कुल बेकार होता है, उससे तो ये काफी अच्छा है, एटलीस्ट ओरिजिनल तो है किसी ब्रांड का। और यहाँ पे जो केबल है वो बिल्कुल सिमिलर है हर बार की तरह, काफी बढ़िया केबल आती है इसमें। तो यहाँ पे चार्जिंग से रिलेटेड सारी चीजें सॉर्टेड है। तो यहाँ पे बॉक्स को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं फोन को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फोन की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो फोन की कंडीशन के बारे में बताऊँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट मुझे फोन की कंडीशन लगी। यहाँ पे मुझे सिंगल स्क्रैच भी देखने को नहीं मिला, डेंट वगैरह का तो दूर की बात है, पर यहाँ पे जो हल्के हल्के आप डॉट डॉट देख सकते हैं जो कि कवर वगैरह के निशान है। इसके अलावा इसका जो फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील का है जो कि ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है, तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा छप जाते हैं, तो इस वजह से ये इतना गंदा लग रहा है। लेकिन इसका जो बैक पैनल है वो काफी बढ़िया है, मैट फिनिश है, बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट नहीं आते। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इसकी ओरिजिनलिटी, जिसने कि मेरे को थोड़ा सा निराश किया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो फोन खरीद रहे हैं वो उसमें सारी चीजें ओरिजिनल होनी चाहिए, कहीं भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने इसकी डिस्प्ले वगैरह चेक करी, तो यहाँ पे मुझे इसकी डिस्प्ले बिल्कुल ओरिजिनल लगी, बिल्कुल OLED डिस्प्ले फुल HD 60Hz की, जिसमें कि डीपर ब्लैक्स देखने को मिलते हैं और HDR वगैरह YouTube पे तगड़ा चलता है। इसके अलावा ट्रू टोन वगैरह सब कुछ इसमें जो काम कर रहा था बढ़िया। और उसके अलावा फिजिकल कंडीशन की बात करें तो सारी चीजें बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल है, फ्रेम हो गया, बैक पैनल हो गया, स्क्रीन वगैरह कहीं से भी मुझे अनइवन नहीं लगा, जैसे गैप वगैरह होते हैं डिस्प्ले चेंज की हो तो, या फिर स्क्रू वगैरह पे जो निशान होते हैं पेचकस के। और उसके अलावा इसके जो बटन वगैरह है, साइड बटन, वॉल्यूम बटन और जो है म्यूट स्विच, वो भी काफी सही है, काफी हार्ड है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रफ यूज हो तो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं वो, तो वहां पे भी कोई शिकायत नहीं है। फिर मैंने चेक करा इसका कैमरा, क्योंकि कैमरा चेक करना काफी जरूरी है, ज्यादातर लोग तो कैमरे के लिए प्रो वाले फोन को खरीदते हैं, और अगर कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो तो ऑटो फोकस वगैरह से आप चेक कर सकते हैं। कैमरा वगैरह बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, ऑटो फोकस वगैरह तीनों ही कैमरा से 4K 60fps तक की वीडियो शूट कर पा रहा था ये, और तीनों ही कैमरा में जो है कलर्स वगैरह बिल्कुल सेम आ रहे थे, तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई कैमरा वगैरह सारी चीजें ओरिजिनल है। तो अभी तक सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, मुझे लगा ऑलमोस्ट सारी चीजें बढ़िया ही होने वाली हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इसकी बैटरी चेक करी तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि इसकी बैटरी जो थी वो थी 100%, जो कि भाई इम्पॉसिबल है एक यूज्ड फोन की। अब बैटरी 100% होने के दो ही चांस हैं, या तो हो सकता है बैटरी वगैरह नहीं लगी हो इसलिए जो बैटरी 100% है, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि बैटरी वगैरह बूस्टेड हो जो कि सिर्फ दिखाने में 100% है, एक्चुअल में वो कम होती है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, क्योंकि यार 5-6 हज़ार की बैटरी नहीं लगा के कौन ही देगा। तो फिर मैंने करा इसका 3U टूल टेस्ट, तो जैसे ही मैंने इसको PC में लगाया तो इसमें सारी चीजें नॉर्मल बताई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज थी जो कि गड़बड़ थी, जो कि थी इसकी बैटरी। तो यहाँ पे जो 3U टूल दिखा रहा था वो दिखा रहा था 76% बैटरी, इसका मतलब ये था कि बैटरी जो है बूस्टेड है। तो अगर यहाँ पे बैटरी वगैरह बूस्टेड है तो यहाँ पे 15 दिन या 1 महीने के यूज के बाद आसानी से अपनी एक्चुअल कंडीशन पे आ जाएगी। तो इतना तो पता चल गया था कि बैटरी यहाँ पे बूस्टेड है, क्योंकि यार 3U टूल तो गलत नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी साइकिल थे वो थे 1000+। तो अब यार किसी ने 2-3 साल बैटरी यूज करी है तो 100% तो होगी नहीं। अब अगर बैटरी बूस्टेड है तो इसके भी दो रीजन हो सकते हैं, या तो हो सकता है जिस बंदे ने कैशिफाई को फोन बेचा है उसने बूस्ट करके बेचा हो ताकि उसको रेट बढ़िया मिल सके फोन का, क्योंकि अगर बैटरी वगैरह नहीं लगाते हैं तो काफी महंगी पड़ती है, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने बूस्ट करके बेचने की सोची हो। और बैटरी के अलावा इस फोन में मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं लगी। तो आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है इसकी बैटरी के पीछे, आप बता सकते हैं कमेंट में। और भाई आप लोगों के लिए इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं, आप लोग जो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।